Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्रोटेस्ट के बारे में जो नेशन वाइड आपका प्रिवेल कर रहा है. ये प्रोटेस्ट है आपका रिलेटेड टू हिट एंड रन प्रोविजन जो भारतीय न्याय संहिता में इनकॉर्पोरेट किया गया है. क्या है भारतीय न्याय संहिता? तो पुराना IPC जो था हमारा, उसकी जगह पर एक नया पूरा लॉ लाए जाने की बात हो रही है एंड जिसको हम भारतीय न्याय संहिता के नाम से जानते हैं. एंड देयरफॉर आपका ये प्रोविजन हिट एंड रन वाला उसमें देखने को मिला है, जिसमें पेनालिटीज काफी ज्यादा कर दी गई हैं. पहले भी थी पेनालिटीज, अभी कुछ ज्यादा कर दी गई हैं, जिसका स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन किया जा रहा है बाय ट्रक ड्राइवर्स एंड इंक्लूडिंग अदर टैक्सी ड्राइवर्स एंड ऑल, जितने भी चालक हैं, मतलब वो सब मिलके इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं नेशन वाइड. कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ एंड मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है. तो इसको हम डिटेल में आज एक बार डिस्कस करेंगे कि आखिर ये प्रोविजन है क्या, लोगों के अंदर गुस्सा किस बात का है, लोग उसमें क्या चेंजेस चाहते हैं एंड किस तरीके से ये अफेक्ट कर रहा है थ्रू आउट इंडिया, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो एंड ऑफ वीडियो जरूर देखिएगा. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अन अकेडमी का न्यू ईयर पे न्यू अचीवमेंट्स आ रखा है. जी हाँ, आप अपने 2024 की प्रिपरेशन को किक स्टार्ट कर सकते हैं अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ, क्योंकि अभी चल रहा है 35% ऑफ अन अकेडमी के CLAT PG सारे सब्सक्रिप्शन पर. ये जो वैलिडिटी थी, अब ये बढ़ के हो गई है आपकी छह जनवरी तक आपका ये वैलिड है ऑफर. आप परचेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग 4 months, 6 months, 12 months, 18 months का प्लान. डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड MSingh10, क्योंकि आप जब ये वाला कोड यूज करोगे देन ओनली यू विल गेट द 35% ऑफ ऑन ऑल योर CLAT PG सब्सक्रिप्शंस. तो मेक श्योर कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो CLAT PG 2025 की या अदर LLM एग्जाम्स की, तो आप इसका सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें, क्योंकि बिल्कुल भी डिले करने का सेंस यहाँ पे नहीं है. आप जितना जल्दी प्रिपरेशन करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, उतना ही आपका बेटर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा. अचीवर्स बैच CLAT PG 2025 के लिए 15th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है. पिछली क्लासेस जो हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी एंड अभी आगे से आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आप लाइव क्लासेस ज़्यादा मिस ना करो. तो जल्दी से जल्दी इसका भी सब्सक्रिप्शन ले लो. जैसा कि मैंने आपको बताया 35% ऑफ चल रहा है सारे सब्सक्रिप्शंस पे, तो मेक श्योर कि आप ये कोड यूज करके सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं. 350 प्लस लाइव क्लासेस हैं, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं एंड प्लस प्रोग्राम के और बेनिफिट्स अगर बता दूं तो डेली लाइव क्लासेस होती है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एजुकेटर्स के द्वारा होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, इन क्लास PDF आपको प्रोवाइड किया जाता है. टेलीग्राम चैनल का QR कोड ये रहा, अगर अभी तक इसको स्कैन नहीं किया तो फटाफट से इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको इस पर मिलती रहेंगी, स्पेशल क्लास की, यूट्यूब वीडियोस की, एवरीथिंग एल्स. स्टार्ट करते हैं वीडियो. तो जो ट्रक ड्राइवर्स हैं आपका अक्रॉस दी स्टेट्स, दे आर करेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं न्यू हिट एंड रन लॉ के अगेंस्ट, जो इम्प्लीमेंट करा है सेंटर ने अंडर द भारतीय न्याय संहिता. तो क्या भारतीय न्याय संहिता इन्फोर्स किया जा चुका है? नहीं, भारतीय न्याय संहिता इन्फोर्स नहीं हुआ है. पास हो चुका है बाय हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, असेंट मिल चुकी है प्रेसिडेंट की, तो अब उसके एनफोर्समेंट की बारी ही है. ऑब्वियसली वो भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें एक प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है नेशन वाइड एंड वो है हिट एंड रन लॉ के अगेंस्ट. ये मामला क्या है? ये लॉ था एक, बेसिकली ये लॉ है, मतलब भारतीय न्याय संहिता जो IPC को रिप्लेस कर रहा है, ये हैवी फाइन्स अट्रैक्ट कर रहा है, इवन जेल टर्म्स फॉर ड्राइवर्स hopefully accident spots without helping the victim informing the police. जब आपका hit and run का case होता है, जिसमें जो person होते हैं, जो आपके drivers होते हैं, वो भाग जाते हैं accident spot से, वो रुकते नहीं हैं victim की मदद करने के लिए, वो police को inform नहीं करते, उनको then and there उसी situation में छोड़ के चले जाते हैं. तो ऐसे drivers के लिए heavy fine impose किया गया है इस नए law में, even jail terms भी लाए गए हैं. Calling the new provisions harsh, इस नए प्रोविजन को हार्श बोलते हुए जो थाउजेंड्स ऑफ ट्रक ड्राइवर्स हैं अलग अलग स्टेट्स में, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये रोड्स को ब्लॉक कर रहे हैं. दे आर स्टॉपिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ इसेंशियल आइटम फ्यूल. आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन में ट्रक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. डेली बेसिस के जो आइटम्स होते हैं, जैसे आपके सब्जी हो गए, फल हो गए, फ्यूल आपका हो गया, जिससे कि आप पेट्रोल पंप पे जब जाते हैं पेट्रोल भरवाते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा रोल है ट्रक का. तो उन सबको रोका जा रहा है,
उन सबके अगेंस्ट यहाँ पर ब्लॉक करा जा रहा है रोड्स को कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ना हो पाए। कुछ लोग हैं जो खुद नहीं कर रहे एंड दूसरा भी लार्ज लेवल पे लोगों को रोक रहे हैं। इसी के साथ साथ छोटे छोटे ड्राइवर्स को भी रोका जा रहा है, लाइक ई रिक्शा हो गए, लाइक टेम्पो के हो गए, टैक्सी ड्राइवर्स हो गए, सबको रोका जा रहा है कि भाई आपके अगेंस्ट भी है। तो नए प्रोविजन को ये बहुत हार्श बता रहे हैं एंड इस तरीके से दे आर प्रोटेस्टिंग। हिट एंड रन केसेस क्या होते हैं बेसिकली? तो ये वो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं जहां पर ड्राइवर एक व्हीकल को या ह्यूमन को हिट करने के बाद भाग जाता है बिना रुके, बिना विक्टिम की मदद करे एंड बिना पुलिस को इन्फॉर्म करे उस इंसिडेंट के बारे में। पहले जो पनिशमेंट थी हिट एंड रन के लिए अंडर द आईपीसी वो 2 साल का जेल टर्म था, 2 साल की सजा थी पहले बस, एंड वो भी एक्यूज्ड को बहुत आसानी से बेल मिल जाती थी, तो बहुत लिबरल था। अभी क्या है, लॉ बहुत स्ट्रिक्टर हो गया है टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ केसेस, ऐसे केसेस को कम करने के लिए लॉ को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया है जिससे कि भागने वाले केसेस हमें ज्यादा देखने को ना मिले। नाउ हिट एंड रन लॉ व्हाट इज न्यू हियर? तो वी हैव दिस न्यू हिट एंड रन लॉ, इट वाज पास्ड अंडर द भारतीय न्याय संहिता। ये उसी का एक प्रोविजन है, मतलब दिस इज नॉट समथिंग अ स्पेसिफिक हिट एंड रन, आपका एक्ट कोई नहीं आया है। अगर लोगों को इस चीज की गलत फहमी है तो मैं क्लियर कर दूं, ये कोई अलग से एक्ट नहीं आया है, ये वही हिट एंड रन एक प्रोविजन है जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर है। भारतीय न्याय संहिता जो आपका पुराना आईपीसी था उसकी जगह पर आया है एंड ये उसी का एक प्रोविजन है जिसको सेंटर ने भारतीय न्याय संहिता को बेसिकली जब पास किया गया है तो ऑटोमेटिक वो आपका प्रोविजन पास हो गया, दिसंबर में पास हो चुका है, प्रेसिडेंट की असेंट मिल चुकी है। नाउ स्पेसिफिक रूल जो है ऐसे रोड एक्सीडेंट केसेस पर वो ये कहते हैं कि अगर ड्राइवर स्पॉट से भाग जाता है रोड एक्सीडेंट के बाद बिना पुलिस को इन्फॉर्म करे अबाउट द कोलिजन टक्कर, तो ही विल हैव टू फेस 10 years इन जेल एंड अ फाइन ऑफ 7 lakh। अच्छा खासा यहाँ पे हार्श जिसको लोग कह रहे हैं, तो दैट इज समथिंग जिसको हम स्ट्रिक्ट कह सकते हैं कि काफी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट लेड डाउन कर दी गई है कि अगर कोई भी रोड एक्सीडेंट होता है तो अगर ड्राइवर स्पॉट से भागेगा, उसने विक्टिम की मदद नहीं करी, उसने पुलिस को बताया नहीं, मेनली पुलिस को अगर इन्फॉर्म नहीं किया, तो उसको 10 साल की सजा होगी और 7 lakh rupees का उसको फाइन पड़ेगा। नया रूल जो है ये प्राइवेट व्हीकल ओनर्स पे भी है, ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उन्हीं का है, यहाँ पे बात हो रही है ड्राइवर की। तो ड्राइवर हर वो इंसान है जो ड्राइव करता है व्हीकल को, तो वो चाहे प्राइवेट वाले हों चाहे सरकारी वाले हों, ठीक है? तो प्राइवेट वाले भी जो एक्सीडेंट करके टक्कर मार के भाग जाते हैं, नहीं पीछे पलट के देखते हैं भाई किसको उन्होंने टक्कर मारी है, तो आपको भी 10 साल की सजा और 7 lakh rupees का फाइन भरना पड़ेगा। प्रोटेस्टिंग ट्रक ड्राइवर्स कह रहे हैं कि जो प्रोविजन है नया लॉ का बहुत स्ट्रिक्ट है एंड उसको थोड़ा सा सॉफ्टन करने की जरूरत है। नाउ व्हाई इज इट स्ट्रिक्टर? क्योंकि सेंटर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द सेंटर जो डेटा यहाँ पर आया है वो ये है कि हिट एंड रन केसेस में अराउंड 50,000 लोग अपनी लाइफ को खोते हैं। ऐसे केसेस में विक्टिम्स मदद ना पाने की वजह से अक्सर उनकी डेथ हो जाती है। पुलिस अथॉरिटीज जो हैं वो अक्रॉस दी स्टेट्स दे आर इनकरेजिंग गुड समर्थन्स हु रिपोर्ट द केसेस विच हैव हेल्प टू सेव विक्टिम्स, मतलब कुछ लोग होते हैं जो आगे बढ़ते हैं, मदद करते हैं, तो पुलिस अथॉरिटीज ने ऐसे लोगों को इनकरेज किया है। इन्फॉर्मिंग द पुलिस, अगर आप पुलिस को इन्फॉर्म करोगे तो एटलीस्ट वो हॉस्पिटलाइज करा पाएगा इंजर्ड पर्सन को टाइम पर। न्यू लॉ और जो उसके स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं, इट इज एक्सपेक्टेड, ऐसा माना जा रहा है कि एक डेटरेंट लॉ की तरह काम करेंगे जो लोग भी हिट एंड रन केस में इन्वॉल्व है। हाउएवर जो लीनियंसी है ऐसे केसेस में, इट विल बी शोन, एक्यूज्ड को शो करी जाएगी जिसने विक्टिम को अटेंड किया बाय टेकिंग देम टू हॉस्पिटल, कहा गया है। अगर एक्यूज्ड खुद विक्टिम को उठा के हॉस्पिटल पहुंचा रहे तो थोड़ी सी लीनियंसी वहां पर देखी जा सकती है। ये है आपका पूरा लॉ जिसकी हम बात कर रहे हैं। नाउ व्हाई द प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन? द प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन बिकॉज ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि ये बहुत हार्श है, इसको थोड़ा सा लिबरल करने की जरूरत है। ट्रक ड्राइवर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं न्यू हिट एंड रन रूल के अगेंस्ट इन द स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, यूपी एंड बिहार। ट्रक ड्राइवर्स आर ऑल्सो सपोर्टेड बाय, उनको सपोर्ट भी मिल रहा है बस ड्राइवर्स का, टैक्सी ड्राइवर्स का, ऑटो ड्राइवर्स का। जो प्रोटेस्टिंग ड्राइवर्स है वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि अगर वो रुक जाते हैं एक्सीडेंट होने के बाद तो दे मे बी अटैक्ड बाय द क्राउड प्रेजेंट एट द स्पॉट। उनको डर है कि हमको वहां पे मौजूद जो भीड़ है, क्योंकि जब भी एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले एक भीड़ इकट्ठा होती है, तो उनका कहना है कि हमें ये डर है कि वहां का जो प्रेजेंट क्राउड होगा वो हमें मारेगा पीटेगा।
और अक्सर ये केस रोड एक्सीडेंट्स में होता है कि जो क्राउड उस स्पॉट पे प्रेजेंट होता है वो गुस्सा हो जाता है और वो ड्राइवर पे अटैक करता है, ये कहना है ट्रक ड्राइवर्स का। अब और लोगों का इस पे क्या कहना है, तो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, इनका कहना है कि ये जो प्रोविजंस है जिनको अभी फोर्स में आना बाकी है, जो अभी नहीं आए हैं, इसकी वजह से बहुत अनड्यू हरासमेंट होगा एंड इसको वापस लेने की आवश्यकता है। ऑन दी अदर हैंड, अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ओनली, इनका कहना है कि 35% ऑफ द हेवी व्हीकल जो हैं, जो इसेंशियल कमोडिटीज आपकी कैरी करते हैं लाइक पेट्रोल एंड एलपीजी, ठीक है, तो ट्रकर्स बॉडी पेक्स द लॉसेज एक्यूरिंग फ्रॉम एक दिन के स्ट्राइक से 120 से 150 करोड़ तक का नुकसान सिर्फ एमएमआर में देखने को मिला है, यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन में देखने को मिल रहा है। आउटसाइड ऑफ एमएमआर, मुंबई के बाहर, अगर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के बाहर की बात करें, द रेस्ट ऑफ द कंट्री, तो एक दिन की स्ट्राइक का जो इम्पैक्ट है वो पार्शली इम्पैक्ट कर रहा है महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल, राजस्थान एंड बिहार, इंदौर इन मध्य प्रदेश, सूरत इन गुजरात, अम्बाला इन हरियाणा, और सम ऑफ दी सिटीज जहाँ पे ड्राइवर्स का प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा देखने को मिला है। पंजाब में एटलीस्ट 7 लाख ट्रक्स जो थी दे वेंट ऑफ दी रोड, 7 लाख ट्रक्स जो है वो गायब हो गई। नाउ जेपी अग्रवाल, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ लुधियाना गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उन्होंने वार्न किया है कि अगर स्ट्राइक एक और दिन कंटिन्यू रही तो फ्यूल शॉर्टेज हो जाएगा, जो सप्लाई ऑफ वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, अदर एसेंशियल्स वुड बी हिट, इस पे फर्क पड़ेगा नेक्स्ट फ्यू डेज में, उन्होंने ऐसा कहा। और इसी की वजह से एक दिन में, अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के वैल्यूएशन में, वैल्यू में बहुत अंतर भी हमको देखने को मिला है। बिफोर द प्रोविजन अनाउंस अंडर द न्यूली मिंटेड भारतीय न्याय संहिता, द पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस वॉर, पहले 2 साल थी अंडर द सेक्शन 304A, 304A IPC में थी, हिट एंड रन के नाम से नहीं थी, इसके नाम से 304A के नाम से दी गई थी। नाउ ट्रक ओनर्स एसोसिएशन का ये कहना है कि रिगार्डलेस ऑफ द कल्पेबिलिटी इन द केस ऑफ एन एक्सीडेंट, इट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज द ड्राइवर ऑफ द लार्जर व्हीकल जो बुक किया जाता है। इनका कहना है कि कल्पेबिलिटी की बात अलग है, लेकिन एक्सीडेंट के मामले में यही होता है, जो बड़ा व्हीकल होता है उसका ड्राइवर हमेशा बुक किया जाता है। दैट्स वाई ट्रक ड्राइवर्स को बहुत ज़्यादा ये चीज़ लग रही है कि हम पर ज़्यादा अटैक होगा। वन ऑफ द 500 ट्रक ड्राइवर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एट द हाईवे एट वसाई, मंगेश पटेल सेड, दिस अमेंडमेंट इज कम्प्लीटली अनफेयर, ये एक अमेंडमेंट पूरी तरह से अनफेयर है। वी ऑल्सो सफर ग्रीवियस इंजरीज इन एक्सीडेंट्स, हमें भी इंजरीज एक्सीडेंट्स में होती हैं, लेकिन कोई भी इंटरवीन नहीं करता है हमारे बिहाफ पर यहाँ पे। टर्मिंग द न्यू प्रोविजन्स फॉर द इनहेंस पनिशमेंट एज अ ब्लैक लॉ, जो नए प्रोविजन्स आए हैं जिसके चलते पनिशमेंट यहाँ बहुत बढ़ी है, उसको ब्लैक लॉ कहते हुए ट्रकर्स कह रहे हैं कि दे विल नॉट लोड फ्यूल या कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जब तक कि अमेंडमेंट विड्रॉ नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा है कि हम फ्यूल को लोड नहीं करेंगे, हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैरी नहीं करेंगे जब तक कि अमेंडमेंट को विड्रॉ नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ ऑयल टैंकर ड्राइवर्स हो गए, वो फॉर इंस्टांस दे आर सेइंग कि इफ दे हैड 7 लाख विद देम, उनका कहना है अगर 7 लाख रुपए हमारे पास होते तो दे वुड हैव बॉट देयर ओन व्हीकल, हम अपना खुद का व्हीकल खरीद लेते ना कि हम ड्राइवर रहते, ऐसा आनंद शर्मा प्रेसिडेंट ऑफ ऑल जम्मू कश्मीर पेट्रोल टैंकर्स ओनर एसोसिएशन ने कहा, जम्मू कश्मीर फ्यूल स्टेशन ओनर एसोसिएशन ने ऐसा कहा है। मूविंग फर्दर, फिर आपका अगला जो नाम है वो है मुकेश दवे, प्रेसिडेंट ऑफ अखिल गुजरात ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। हर स्टेट के अलग अलग ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, वहाँ के प्रेसिडेंट कुछ ना कुछ कह रहे हैं, तो उनका कहना है कि हम सेंटर से बात कर रहे हैं कि इस मैटर को रिजॉल्व किया जाए एंड हम भी और ड्राइवर्स के साथ इंगेज कर रहे हैं उनको कि वापस से वो काम पर आए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि लॉ जो है वो तुरंत इम्प्लीमेंट नहीं होगा एंड मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि एक एमिकेबल सोल्यूशन इसके लिए निकाला जाएगा, वो काम करेगा। नेक्स्ट, महाराष्ट्र ओनर्स ट्रक ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से क्या बात आती है कि ट्रक ड्राइवर्स हैव टेकन अप दिस प्रोटेस्ट ऑन देयर ओन, उन्होंने अपने खुद से ये प्रोटेस्ट उठाया है। गवर्नमेंट को शुड हैव टेकन द व्यू ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स का, गवर्नमेंट को व्यू लेना चाहिए था, पूछना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी ड्राफ्ट को बनाते टाइम, ठीक है, ऐसा नहीं है कि खुद से कर देना चाहिए था, लोगों से बात करनी चाहिए थी। बट बिना ड्राइवर्स के जो ट्रकिंग बिजनेस है वो आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा।
बिग डीलर्स एंड पेट्रोल पंप जो ओनर्स हैं, दे हैव स्टॉक, उनके पास सिर्फ 3-4 दिन का स्टॉक है। अगर स्ट्राइक आपकी ट्यूसडे तक जाती है तो अवेलेबिलिटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल ही अफेक्ट होगी एटलीस्ट 50-60% ऑफ द फ्यूल स्टेशन पे। ये आपका चेतन मोदी ने कहा है ऑल इंडिया पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन पे। तो इस तरीके से ये थी पूरी न्यूज आपकी, जो नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहा है अगेंस्ट हिट एंड रन केस, हिट एंड रन प्रोविजन सॉरी, इन भारतीय न्याय संहिता। तो आप बेशक इसको जाके एक बार देखिए, आप इसकी थोड़ा सा समझिए कि आखिर ये प्रोविजन क्या है और आपको क्या लगता है। आप अपना व्यू पॉइंट जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या ये सही है या थोड़ा सा मतलब काफी रिजिड है, क्या इसको थोड़ा सा लिबरल करने की जरूरत है। आप क्या सोचते हो एक बार आप बताना, क्योंकि अभी तो हम ट्रक ड्राइवर्स का एक व्यू देख रहे हैं कि डेफिनेटली उनको बहुत ज्यादा लग रहा होगा। 7 लाख रुपए कम नहीं होते हैं, 10 साल की सजा कोई कम नहीं होती है, तो उनका व्यू पॉइंट तो बिल्कुल ये बात सही है। बट अगर हम एक जनरल, हम एक कॉमन मैन, अगर उसके उससे मैं पूछूं ये सवाल, तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये करना चाहिए, क्या ये सही है कि क्या ये गलत है, गवर्नमेंट सही है कि उनका डिसीजन सही है, या फिर ट्रक ड्राइवर्स जो डिमांड कर रहे हैं वो लोग सही कह रहे हैं। तो इस पर ज़रूर कमेंट में बताना। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे भी कहिएगा कमेंट में बताएं, अपने थॉट्स अपने शेयर करिए। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।